उसके बाद मैं भोपाल आया, सर से मिला, सर से पूछी मैंने सारी बात कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और 3,332 से 332 इस बार आई है। घर वालों का पीछे जब इतना सपोर्ट देता है, जब आपके टीचर्स का इतना सपोर्ट देता है, जब मैं सर से भी पूछा तो जो बीच में डाउट भी आते गए वो सर से पूछे, कुछ दिक्कतें भी आती रही, परेशान भी हुआ बीच में, वो गलती मैंने इस बार नहीं करी। मेरे को भले आधा घंटा ज़्यादा बैठना पड़ा उस सीट पर, लेकिन मैं पहले ही जाके और सारी फॉर्मेलिटी उसकी पूरी की। तब मेरे को ये पता था कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है वो नहीं ही करना। जॉब लेने का डिसीजन तो मैंने ऐसे लिया था कि वो सारी चीज़ें मन में थी कि नहीं यार अपन भी कभी NIT जाएंगे, जो भी चीज़ आपको करनी है या तो आप उसको कर लो या फिर आप उसको छोड़ दो। मैं साथ ही साथ में मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये कहती थी कि प्रार्थना और प्रयत्न दोनों चीज़ें काम में आती है। चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, अनमोल सोनी थे जो कि राजस्थान से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 332 है। इन्होंने क्लास उम्र है के प्रिपरेशन की और ये रैंक अचीव की। तो अनमोल सबसे पहले तो आपको 332 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अनमोल के बारे में काफी कुछ मैं जानता हूँ, काफी ऑड कंडीशन में इसने रैंक अचीव की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कई लोगों के साथ होती है, पर उस सब के बाद भी अगर कोई कुछ अचीव करता है बहुत अलग बात होती है। तो अनमोल आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब निमसेट के लिए सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की और भोपाल का क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूँगा वो आप बहुत डिटेल में बताएं। सबसे पहले मुझे निमसेट के बारे में 2021 में पता चला था, मेरे कॉलेज में वहाँ पे एक और दूसरे कॉलेज का बच्चा था, उसने मुझे बताया था कि निमसेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें MC अपन कर सकते हैं, वहाँ से मुझे पता चला। फिर हमने साथ में वहाँ लेके प्रिपरेशन की, लेकिन उसका हो गया 2022 में सिलेक्शन, मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैं भोपाल आया, सर से मिला, सर से पूछी मैंने सारी बात कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 2022 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरी रैंक आई थी 3,332 और 3,332 से 332 इस बार आई है। मतलब 3,332 से सीधा सीधा आपने एक तरह से 3,000 रैंक को कम कर दिया, अचीवमेंट। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने सर को कॉल करके भी पूछा सर मैं क्लासरूम स्टूडेंट बनूँ या ऑनलाइन कोर्स। सर ने बोला था कि अगर तुम यहाँ पे आ सकते हो तो तुम यहाँ पे आ जाओ। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की, पिछले साल फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने वापस से घर वालों से पूछा कि मुझे वापस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि अगर तेरे को एक और साल देना है तो तू दे दे, और अगर तेरे को यही करना है तो तू यही कर। तो फिर से मैं वापस यहाँ पर इम्पीडस गुरुकुल में आया, वापस से प्रिपरेशन करी साल भर, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, हर एक बच्चे को अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं लगती, नहीं हुआ, सेकंड टाइम ड्रॉप लेने से भी पीछे नहीं हटा, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा हमेशा मानना है कंप्रोमाइज़ बड़ा खतरनाक होता है। और NIT क्यों जाना है, ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, हर बच्चे को कहता है NIT IIT इसलिए जाना, वहाँ बहुत थोड़े से लोग जाते हैं। आज आप किसी और जगह जाते हैं आपको कोई भी मिल जाएगा, पर यहाँ बहुत थोड़े से लोग जाते हैं, वो भी मेहनत करके जाते हैं, तो आप उनके साथ जो ग्रो करते हैं वो बहुत अलग होता है। सैलरी, जॉब, ये सब तो है ही, मैटर करता है, पर उससे भी कई इंपॉर्टेंट कि कुछ जरा से लोग जाते हैं। और मुझे पता है बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम थी, लाइफ की सिचुएशन थी, उन सबको हैंडल करके निकल के आगे बढ़ना भी अपने आप में मायने रखता है। और जब कोई बच्चा सेकेंड टाइम ड्रॉप लेता है तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया, मैं ये भी चाहूँगा बताओ। प्रेशर तो मेरा उसी दिन हैंडल हो गया था जिस दिन मेरे को घर वालों ने कही थी कि हाँ तू सेकेंड ड्रॉप ले सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही वही होती है कि आपके बैक एंड पे आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं और आप पे वो भरोसा रखते हैं कि हाँ तू कर लेगा। मैंने जब वापस से मेरे घर वालों से, मम्मी से, अंकल से, नाना जी से सबसे पूछा था कि मैंने एक साल तो दे दिया है, मैं ये दूसरा साल ड्रॉप में दूँ या ना दूँ, तो सभी ने हम मेरे को यही कहा था कि तू अगर कर सकता है तो तू ड्रॉप दे दे, ड्रॉप ले ले तू अपना, और हमको उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी मेहनत करनी है वो तेरे को करनी है, हमारा काम सिर्फ पैसा लगाने का है वो हम करेंगे। तो घर वालों का पीछे जब इतना सपोर्ट देता है, जब आपके टीचर्स का इतना सपोर्ट देता है, जब मैं सर से भी पूछा कि सर मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरी रैंक आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं बाकी सारे बच्चों से बहुत पीछे था, तो सर ने बोला था कि तुम्हारी रैंक आ जाएगी और आ जाएगी, तुम आओ यहाँ पे कोचिंग करो। मैं सर से यहाँ पे एक्चुअली टेस्ट सीरीज ही लेने आया था, पर सर ने बोला कि तुम टेस्ट सीरीज ना लेके और क्लासरूम ज्वाइन करो। तो फिर मैंने वापस से क्लासरूम ज्वाइन किया, क्लासरूम में आया, पढ़ाई करी, जो जो बीच में डाउट भी आते गए वो सर से पूछे, कुछ कुछ दिक्कतें भी आती गई, परेशान भी हुआ बीच में, सारी चीज़ें सर से पूछी, कुछ खुद के बेसिस पे की, घर वालों से बात करी, तो इतना मेरे को वो प्रेशर लगा नहीं कभी, क्योंकि घर वाले हमेशा पीछे सपोर्ट में रहे।
बिल्कुल एकदम सही बात बोली है, अगर घर वालों का सपोर्ट हो तो सेकंड थर्ड ड्रॉप भी मैटर नहीं करता, अगर वही सपोर्ट में नहीं है तो फिर वो एक अननेसेसरी प्रेशर बन जाता है। तो अनमोल, जब आपने इस बार एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया, मुझे पता आपकी रैंक और अच्छी होती क्योंकि कुछ जल्दबाजी में मिस्टेक हुई, तो अपना एक्सपीरियंस वो भी बताओ जो पेपर में था, क्योंकि जो बच्चे पेपर, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितना भी ज़्यादा पढ़ाई करें, पूरे साल भर टेस्ट में अच्छा लाए, पर अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मैनेज थोड़ा भी ऊपर नीचे कर लेते हैं तो आप रैंक अप डाउन होती है, तो वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो आप। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में मैं था, पिछले साल ये हुआ था कि मेरे को ज़्यादा बैठना ना पड़े उस कुर्सी पे, इसलिए मैंने लेट में अपनी एंट्री दी थी, लेकिन उस वजह से लाइन इतनी लंबी हो गई थी कि वहाँ पे सारी चेक इन करने में और इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। तो वो गलती मैंने इस बार नहीं करी, मेरे को भले आधा घंटा ज़्यादा बैठना पड़ा उस सीट में, लेकिन मैं पहले ही जाके और सारी फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करी, क्योंकि उसके बाद भी मैंने देखा जब पीछे मुड़ के तो सारे बच्चे लाइन में लगे हुए थे, कुछ परेशान हो रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने वही वाला एजेंडा हटाया कि नहीं यार अपन पहले जाके बैठ जाएंगे तो भी अपना कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात यह है कि जब मैं पेपर देने बैठा तब मेरे को ये पता था कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है वो नहीं ही करना है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन करता गया 30-35 मिनट मेरे को लगे, लेकिन 30-35 मिनट में मैं अप्रोक्स 20 क्वेश्चन कर चुका था, और बाकी चुके जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो बाकी टाइमिंग में पूरे किए, जिससे मेरा एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भैया मैथ में मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं और वो मेरे सही ही जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। उसके बाद जब मैं LR पे शिफ्ट हुआ तो मैंने मेरा पूरा माइंडसेट मैथ से हटा के LR पे डाला कि मैथ्स में जो मैंने कर दिया है वो लॉक हो चुका है, अब अपन LR पे ध्यान देंगे, और फिर मैंने LR को उसी तरीके से किया, सेम LR के साथ भी किया, स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनाता गया, जो क्वेश्चन छोड़ने वाला था वो छोड़ा, जो बनाने वाला था वो बनाया, और लास्ट तक मैं वो क्वेश्चन करता गया। जब मेरी मैथ और LR अच्छे से हो गई तब मेरे को कंप्यूटर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कंप्यूटर इंग्लिश भी अच्छे से कर सकता हूँ, और उसी वजह से मेरे कंप्यूटर इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स। तो अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ भी रहे हो कर रहे हो तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि आप जितना भी पढ़ोगे अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ तो आपका सारा पढ़ा हुआ सब नेगेटिव में चल जाएगा और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस। तो अनमोल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहूँगा जरूर बताओ, कि आपने जब जैसे फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ आपका, फिर आपने सेकंड ड्रॉप का मन बनाया, आप चाहते तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते थे, नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया, और मतलब सेकंड ड्रॉप लेने की क्या वजह, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो आपका खुद का ओपिनियन क्या, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है किसका डिसीजन है, आपका, तो ये चीज़ जरूर शेयर करो। ड्रॉप लेने का डिसीजन तो मैंने ऐसे लिया था कि क्लासरूम में सब बच्चों को जब देखता, जब मैंने 2022 के टॉपर्स को देखा, उनसे जब पूछा, उनसे जब साल भर भी बात होती तब वो बताते कि यार NIT ऐसा है, NIT वैसा है, यहाँ पे ये होता है वो होता है, तो वो सारी चीज़ें मन में थी कि नहीं यार अपन भी कभी NIT जाएंगे तो अपने को वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा मेरे माइंड में रहता है कि कभी भी जीवन में काश नहीं रहना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता, काश ये चीज़ मेरे से हो जाती, जो भी चीज़ आपको करनी है या तो आप उसको कर लो या फिर आप उसको छोड़ दो। तो मेरा मेजर रीजन ड्रॉप लेने का तो यही था कि मेरे को NIT का वे काश में ही रखना है कि काश मैं एक साल और ड्रॉप लेता और NIT चूज करता, और मैंने NIT चूज़ किया, एक साल और ड्रॉप लिया, तो आज मेरी ये रैंक आई है। इसमें साथ ही साथ में मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये कहती थी कि प्रार्थना और प्रयत्न दोनों चीज़ें काम में आती है, आप सिर्फ प्रयत्न करोगे तो भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, और आप सिर्फ प्रार्थना करने बैठोगे तो आपको होना ही नहीं। तो मैंने प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ में करी, प्रयत्न मैंने किया, प्रार्थना घर वालों ने करी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। अच्छा अनमोल, ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि ड्रॉप लेने से घबराते हैं, या मन तो है ड्रॉप लेना है, ऐसा बहुत अभी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मन तो बहुत है पर कंफ्यूजन भी है, समझ में नहीं आता क्या करें, तो उनके लिए क्या मैसेज हो? अगर आपका मन कर रहा है कि आपको ड्रॉप लेना है तो फिर सेकंड थॉट तो उसमें आना ही नहीं चाहिए कि ले या ना ले, क्योंकि जब भी आप NIMCET का सिलेबस देखते हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें सारी चीज़ें बेसिक्स के हैं। आप एडवांस में चले भी जाओगे तो इतने क्वेश्चन एडवांस के बनते नहीं है जितने बेसिक के बनते हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप कर लोगे, और आपको लगता है कि आपको एक और साल ड्रॉप लेना चाहिए तो आप लो उस ड्रॉप को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर स्टडीज़ की बात छोड़ भी दे तो उस ड्रॉप में आप 26 चीज़ें नई चीज़ सीखोगे जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। थैंक यू सो मच अनमोल, अब आप ऐसे NIT में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करो और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ये एक जो रैंक है ना ये इंटायर लाइफ आपको ये बताएगी कि नहीं मैं कर सकता था। एक्चुअल में इसलिए भी मेरा मानना है कि आप एक बार लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, फिर आपकी लाइफ में आगे, अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी आगे चीज़ें आएंगी जो इससे भी टफेस्ट होंगी, पर उसका ओरिजिन ये होगा।
क्योंकि आपने एक समय कुछ अचीव किया ना और अब आगे जाके टाइम नहीं लगेगा। तो इस बिलीव को याद रखना, खुद भी आगे बढ़ना और बहुत लोगों को आगे बढ़ाना। चलिए, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।